तो फ्रेंड्स ये है पुर्तगाल का ओरिएंट स्टेशन जो कि लिस्बन शहर में है। जो लोग पुर्तगाल में वो तो तकरीबन सब लोग जानते ही होंगे इसको। दोस्तों ये पुर्तगाल का सबसे मेन ट्रेन स्टेशन है और ये बनाया गया था 1998 में, इसका इफ्तिताह हुआ था। तो चलें चलते हैं अंदर और मैं आपको स्टेशन के बारे में बताऊंगा। और आज की वीडियो में मेरा चूंकि आज ये पहला सफ़र है ट्रेन का, तो ट्रेन का रिव्यू भी करेंगे। स्टेशन के बैक साइड पे बस स्टैंड है। से पूरे पुर्तगाल के लिए मुख्तलिफ सिटीज़ की लग्जरी बसेस चलती हैं, इवन के स्पेन के लिए भी बसेस यहीं से जाती हैं। तो सबसे नीचे आपको ट्रेन शेड्यूल में नज़र आ रही है पोर्टो कोपेनियन, ये है आज की मेरी ट्रेन। ट्रेन 8:09 की है तो अभी तकरीबन आधा घंटा रहता है। मैं सुबह सुबह आया हूँ, नाश्ता भी नहीं किया, तो यहाँ से मैं पहले कॉफ़ी पी लेता हूँ फिर ऊपर चलते हैं। अभी एक स्टेप और ऊपर जाना है हमें स्टेशन का। आपको बताता चलूँ कि इसी स्टेशन के नीचे मेट्रो का भी स्टेशन है जो कि पूरे लिस्बन शहर को कनेक्ट करती है अंडरग्राउंड। पहले चलते हैं ऊपर ट्रेन तक, एक स्टेप अभी हमें और ऊपर जाना पड़ेगा। ये यहाँ की लोकल ट्रेन हैं जो मुख्तलिफ टाउन्स को आपस में मिलाती हैं। लें जी हमारी ट्रेन भी आ रही है, तो चलते हैं ट्रेन के अंदर। जी तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी हम लिस्बन शहर से बाहर निकल रहे हैं। टोटल सफ़र तो तकरीबन 3 घंटे का है, लेकिन मैं रास्ते में आपको थोड़े बहुत सीनरीज और जो भी अच्छे सीन आए वो मैं दिखाता जाऊंगा, और साथ ही हम ट्रेन का भी रिव्यू करेंगे। इसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैसी है अंदर से बाहर से, तो आप लोगों ने देख ली होगी। तो चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं आज का। काफ़ी आरामदेह सीट्स हैं इस ट्रेन की, और ये मेरा ख्याल है आर्म रेस्ट रीसेट के बटन वगैरह हैं, काफ़ी कंफर्टेबल है। ये फोल्डिंग टेबल्स हैं दोनों सीटों के सामने, खाना खाने के लिए या कोई ड्रिंक या आर्म रेस्ट के तौर पर यूज़ करने के लिए। बहुत ही कंफर्टेबल और बड़े साइज़ की ना लेदर की सीट्स हैं और बहुत ज़्यादा आरामदेह हैं। मैंने तो ऐसी एयरप्लेन में भी नहीं देखी सीट्स, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और लग्जरी टाइप सीट्स हैं। ऊपर की तरफ एयर कॉन और लाइट सेटिंग के बटन, ये भी कोई सेटिंग वाले बटन है। सच्ची पूछें तो मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आ रही, सिर्फ शटर ही लिखा हुआ है और राइट लेफ्ट। ट्रेन में वाईफाई अवेलेबल है। आप लोग देख रहे हैं ये छोटे मोटे स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन नहीं है, इसके टोटल 3 स्टॉप हैं और अभी तक कोई इसका स्टॉप आया नहीं है, अभी शायद आने वाला है। अभी इसने कुछ स्पीड पकड़ी है तो आप समझ आ रही है कि हाई स्पीड ट्रेन में बैठा हूँ।
अभी हमारा पहला स्टॉप आ रहा है, देखते हैं कितनी देर रुकती है यहाँ। बस की तरह ये फैसिलिटी भी रखी गई है कोई पेपर वगैरह बुक रखने के लिए, और ये हुक बनाई गई है कोई चीज होल्ड करनी हो आपने, हैंगर वगैरह। खाली समझे ट्रेन, आप आगे कोई दो चार लोग बैठे हों और बैक पे मैं बैठा हूँ। अच्छा, तो मैंने आज तक किसी जहाज ट्रेन में कहीं भी इतनी खुली जगह नहीं देखी सीट की, जिस पे आप अपने कंफर्टेबल होकर बैठ सकें और आपकी लेग्स कंफर्टेबली फुल मूव हो सकें। ये इसका फुट रेस्ट कह लें, फुट रेस्ट के लिए देख लें कितनी जगह, और साथ ही छोटी सी डस्टबिन भी बनाई हुई है उन्होंने बॉक्स। ये कोई एक्स्ट्रा बड़ा लगेज हो जैसे सूटकेस वगैरह किसी का। इमरजेंसी में ट्रेन को स्टॉप करने के लिए बटन और फायर एक्सटेंशन। क्या सीनरी है यार, सो ग्रीन है। अच्छा, तो अभी हम पोर्टो से थोड़ा पहले एक और इनका शहर है अवेरो, वहाँ से गुजर रहे हैं। ये भी बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारा शहर है इनका अवेरो। ये तो ट्रेन का किसी स्टेशन पे रुकने का ड्यूरेशन मैक्सिमम 2 से 2.5 या 3 मिनट है, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, आपको दिखाता चलूँ, ट्रेन में कैफेटेरिया भी है, कॉफ़ी सैंडविचेस ड्रिंक्स वगैरह यहाँ अवेलेबल होती हैं, लेकिन मैं अभी चूँकि सफ़र अभी अख्ताम के करीब है तो आया हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, तो ये भी बंद हो चुका है। सिर्फ बताना चाह रहा था, दिखा लूँ आपको कि इसमें ये फैसिलिटीज़ भी हैं ट्रेन में। आगे चलते हैं और भी डिफरेंट एरियाज दिखाता हूँ मैं आपको ट्रेन पे। तो ट्रेन की हर बोगी में एक ही छोटा वॉशरूम भी है, है तो छोटा सा लेकिन फैसिलिटीज इसमें सारी हैं और है भी बहुत साफ सुथरा।
अभी हम पोर्तो के तकरीबन करीब पहुंच चुके हैं, शायद एक आध स्टॉप रह गया है। और पोर्तो चूंकि समुंदर पर है तो हम बिल्कुल समुंदर के साथ साथ इस टाइम सफ़र कर रहे हैं। आपको बताता चलूँ कि पोर्तो ब्रिजिस का सिटी है और ये है रहा हमारा पहला ब्रिज देखने को जो मिला। डिपार्चर ऑन टाइम था 8:09 पर और अराइवल भी एग्जैक्टली ओरिजिनल टाइम पर हुई है 10:51 पर। जी मैं स्टेशन से बाहर आ चुका हूँ और ये है बाहर से पोर्तो का रेलवे स्टेशन। चलते चलते आपको पोर्तो की एक अहम अट्रैक्शन भी दिखाता चलूँगी। यहाँ का बहुत मशहूर ब्रिज है और बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है।